आ रही है देश में और नई आफत। दोस्तों स्वागत है आपका, नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट की मौसम विभाग की। तो क्या अपडेट है, और संपूर्ण विश्व के मौसम विभाग ने संपूर्ण विश्व सहित भारत में के कुछ क्षेत्रों में और भारत में और अन्य देशों में इन 16 चक्रवाती तूफानों की आशंकाएं व्यक्त की है। तो क्या अपडेट है और कौन सी ये बड़ी आफतें हैं 16, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं लेटेस्ट अपडेट को। दोस्तों इस साल के शुरुआत में ही खतरनाक वायरस के दस्तक ने पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया, मगर कोरोना वायरस के बाद भी खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं। और कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल दुनिया भर में 16 से ज़्यादा समुद्री तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया है। इनमें 8 हेरिकेन भी शामिल हैं। इन 8 में 4 तूफान बेहद खतरनाक और शक्तिशाली होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल फिर से बड़ी गतिविधियां होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञानी फिल क्वाल्टजबेक ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि 2020 में अटलांटिका बेसिन हरिकेन मौसम की गतिविधियां सामान्य से ऊपर होंगी। जिन हरिकेन तूफान की श्रेणी 3 से 5 होगी वो बड़े तूफान बन जाएंगे। इनमें 111 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अधिक गति की तेज हवाएं चलेंगी। अनुमान है कि ये तूफान 1 जून से 30 नवंबर के हरिकेन मौसम के दौरान आएंगे। और दोस्तों इसकी संभावनाएं व्यक्त की गई 1 जून से 30 नवंबर के बीच जो है 16 चक्रवाती तूफानों की आशंकाएं व्यक्त की गई है। भूस्खलन होने के संकेत भी मिल रहे हैं। लार्जबेक ने कहा है कि इन बड़े तूफानों से भूस्खलन होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि कुछ क्षेत्रों में भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावनाएँ बनी हुई है। और उनके मुताबिक इस साल कम से कम 1 बड़े तूफान से अमेरिका के तटों के पास 69% यानी कि 69% भूस्खलन होने की संभावना है। हालांकि पूर्वानुमान में सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगाया पाया है कि तूफान कहां पर हमला कर सकता है और किस स्थान पर भूस्खलन की संभावनाएं कम है। और क्लार्जबेक और अन्य विशेषज्ञों ने बताया कि अटलांटिक बेसिन में प्रतिवर्ष औसतन 12 उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं, जिनसे 6 हरिकेन होते हैं। जाने क्या है हरिकेन? दोस्तों हरिकेन एक प्रकार का तूफान है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये शक्तिशाली व विनाशकारी तूफान होता है। इनकी उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन में होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक उष्णकटिबंधीय तूफान तब तक हरिकेन बन जाता है जब इसकी हवा की गति 74 मिलीमीटर घंटे तक पहुंच जाती है। इसकी तीव्रता को सेफेर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल से मापा जाता है। ये तूफान आएंगे दोस्तों, कौन कौन से तूफान आने की आशंका है वह इस प्रकार है: आर्थुर, बेर्था, क्रिस्टोबल, डाली, एडवर्ड, फे, गोंजालो, हन्ना, इजाइस, जोसफिन, केली, लोरा, मार्को, नाना, ओम, पोलेट, रेनी, सेली, टेडी, विक्की और विल्फ्रेड। इन 8 तूफान में हेरिकेन श्रेणी के होंगे और 4 तबाही वाले होंगे, बाकी सामान्य प्रकार के हैं। वैज्ञानिकों ने सभी के नाम भी तय कर लिए, जो इस प्रकार से हमने आपको बताया दोस्तों। और इस प्रकार से जो है संपूर्ण विश्व सहित भारत पर भी इन तूफानों के कारण मौसम में बड़े बदलाव की आशंकाएं हैं। साथ ही इन तूफानों के कारण मानसून भी प्रभावित होगा भारत का। साथ ही कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके और समुद्री तटीय क्षेत्र जैसे कि केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र क्षेत्र, और इन क्षेत्रों पर जो है भीषण तबाही भी हो सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का एक अनुमान था। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।